भोपाल इंदौर मार्ग पर आज शुक्रवार को स्वप्नश्री सिंह जिला रजिस्ट्रार मजिस्ट्रेट मोबाइल कोर्ट ने वाहनों की चेकिंग की, जिसमें अनेक वाहनों में अनियमितताएं मिली, जिसमें सबसे ज़्यादा वाहन नगर पालिका के थे, उनके चालान बनाए गए। बताया गया कि इसी दौरान वहां से कलेक्टर का वाहन निकला तो उसकी भी जाँच की गई, लेकिन वाहन में सब ठीक पाया गया। उन्होंने बताया कि एक स्कूल बस में 10 विद्यार्थी अधिक पाए गए। इस स्कूल बस का चालान बनाया गया है, जो कि शासकीय कन्याशाला परिसर का वाहन था, उसको भी जब्त किया। एक यात्री बस में भी क्षमता से अधिक सवारियां पाई गई, उसे भी कार्रवाई की गई। नगर पालिका सीहोर का कचरा वाहन जांच के दौरान अनफिट पाया गया, ड्राइवर भी ड्रेस में नहीं था, वाहन में कचरा भी नहीं था। इस कचरा वाहन पर चालानी कार्रवाई की गई। बिल्कुल जिस तरीके से जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी हैं, जिस तरीके से नियमों का पालन कर रहे हैं, उस तरीके से सभी जो है नगर पालिका को स्पेशल, नगर पालिका के ऊपर पूरे शहर का दायित्व होता है, पूरे शहर की स्वच्छता ज्यादातर नगर पालिका के वाहनों के कारण जो एग्जिस्टिंग यातायात व्यवस्था वो खराब हो रही है। ना कोई कागज है, ना यातायात, ना ही नगर पालिका के कर्मचारी की कोई कचरा है, मतलब अभी तक सुबह से कहीं से कचरा ढोया नहीं गया है, उसमें किसी भी प्रकार के स्लोगन नहीं पाए गए हैं जो कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आवश्यक हैं। किसी एक सामान्य तौर से जिस तरीके से एक ऑटो होता है या ट्रॉली होती है, उस तरीके से एक वाहन चला जा रहा है, जिसमें स्पेशली सबसे ज़्यादा उन वाहनों में नंबर प्लेट जो है उसमें डेलीबरेटली नंबर घिसे हुए पाए गए, नंबर 4 को डेलीबरेटली घिसा गया, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही नंबर को घिसा। इसका मतलब यह है कि चालक का ये उद्देश्य रहा है कि वो यदि कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी तरह से अनियमितता हो जाती है, तो वो वाहन जो है वो नगर पालिका के वाहन को। राहुल मालवीय, सीहोर।